गांव सिढ़ाण के मुर्गी फार्म में आगजनी से हजारों चूजे जल गए, जिससे मुर्गा फार्म पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भट्टुकला व फतेहाबाद से अग्निशमन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गांव सिढ़ाण के समीप पूर्व सरपंच देवेंद्र का मुर्गी फार्म बना हुआ है। इस पोल्ट्री फार्म में शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे किसी कारण से आग लग गई। पोल्ट्री फार्म में करीब 9800 चूजे थे। यह सभी चूजे आगजनी की घटना से जलकर नष्ट हो गए। आगजनी की सूचना मिलते ही आग को काबू करने के लिए फतेहाबाद व भट्टू फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पहुंची। करीब 1.25 घंटे की काफी मशक्कत से बाद आग पर काबू पाया गया। पोल्ट्री फार्म में आग लगने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शादीराम भी पुलिस बल समेत मौके पर पहुंचे और मौके की स्थिति का जायजा लिया। सरपंच एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी प्रस्ताव नहीं देंगे। सरपंचों ने सरकार को चेताया कि सरपंच किसी भी प्रकार से सरकार के दबाव में आने वाले नहीं है। प्रधान चंद्रमोहन पोटलिया ने कहा कि सरपंच एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि कोई भी पंचायत 2 लाख रुपए से अधिक का प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजेगी। अगर सरकार इस मामले को सकारात्मक हल चाहती है तो वह हरियाणा सरपंच एसोसिएशन से बातचीत के पहल करे। सरपंच एसोसिएशन बातचीत के लिए तैयार है ताकि इस समस्या का सर्वसहमति से समाधान हो सके। वह ग्राम के विकास कार्य को शुरू करवाया जा सके। एसोसिएशन ने कहा कि पिछले 2 दिनों से सरकार अधिकारियों की मीटिंग लेकर प्रस्ताव लाकर देने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सरपंचों ने पंचायत मंत्री द्वारा सरपंचों की पावर छीनकर पंचों के हाथ में देने की बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि गांव में आपसी भाईचारा तोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सरपंच प्रहलाद सिंह, जगदीश, बलजीत बणिवाल सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे।